हरियाणा के अंदर ऑक्सीजन व रेमडेसिविर को लेकर जिस प्रकार से हो हल्ला मचा हुआ है, विशेषकर ऑक्सीजन की कमी की वजह से जिस प्रकार से रेवाड़ी हो या कई अन्य जगह मारपीट की घटनाएं भी मिल रही हैं, वहां पर ये बताना जरूरी है कि रेवाड़ी के मामले में हरियाणा के गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कड़े निर्देश दिए हैं, यानी ADC को आदेश दिए हैं कि वो इस मामले की जाँच करें कि ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ पर क्यों कमी आई। हरियाणा सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, सरकार पूरा नियंत्रण कर रही है, लेकिन आखिर ये कमी कैसे और क्यों आई ये जांच वहाँ के ADC के नेतृत्व में बनी कमेटी करेगी। आपको ये बताना चाहेंगे कि हरियाणा के जितने सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, अब इनकी बिल्डिंग्स पर जल्दी ही आपको जो ऑक्सीजन की नई प्रक्रिया देखने को मिलेगी। देखिए, जैसे ये पंचकुला का हॉस्पिटल है, यहाँ पर आपको बताना बहुत महत्वपूर्ण है कि प्राइवेट ऑक्सीजन जनरेटर जो हैं वो लगाने की व्यवस्था सरकारी जितने हॉस्पिटल हैं हरियाणा उनमें जल्दी देखने को मिलेगी। हरियाणा के जो गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, उन्होंने बताया कि 6 हॉस्पिटल के ऑर्डर जो हैं इस मामले में 4 महीने पहले दे दिए गए थे, जिनमें अंबाला, फरीदाबाद और कुछ और हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर जो है सरकारी अस्पतालों के अंदर ये ऑक्सीजन जनरेटर लग जाएंगे और बहुत जल्दी ये लोगों के सेवा में हाजिर मिलेंगे। जो ऑक्सीजन जनरेटर हैं उनकी फंक्शनिंग क्या है? ऑक्सीजन जनरेटर जितने भी हैं वो हवा में जिस प्रकार से ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सीजन को कैप्चर कर वहीं से ऑक्सीजन निर्मित करेंगे, यानी कि इन हॉस्पिटलों को ऑक्सीजन बाहर से नहीं खरीदनी पड़ेगी। सबसे अहम बात एक और है, हरियाणा के जो गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, उन्होंने बताया कि जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं अब उन्हें प्राइवेट ऑक्सीजन जनरेटर लगाने पड़ेंगे। NOC तभी मिलेगी नए हॉस्पिटलों को जब वो इसकी व्यवस्था कर लेंगे, यानी कि जो ऑक्सीजन जनरेटर है वहाँ पर जब लग जाएंगे तभी नई NOC नए हॉस्पिटलों को हरियाणा में दी जाएगी। एक अहम बात और है कि जो पुराने हॉस्पिटल हैं उनको भी ये व्यवस्था एक सीमित समय में करनी पड़ेगी ताकि ऑक्सीजन की किसी प्रकार से कमी हरियाणा के अंदर भविष्य में देखने को ना मिले। कोविड के दौरान जिस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी की बात आ रही है, ये सब चीज़ें तब की जा रही हैं क्योंकि प्रशासन इस मामले में जागरूक है और हरियाणा के गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज इस मामले में निर्देश दे चुके हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर थरनी, पंजाब केसरी TV, पंचकुला। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।